ये हमारे सोनी साहब हैं, पीछे अंधेरे में गायब हो गए हैं, ये पेड़ से पागे टेढ़े बैठे हुए हैं लाला जी की तरह। इनका जी घबरा रहा है, उल्टी करने को मन कर रहा है। ये हमारे रोहित जी हैं, अगर उल्टी करते हैं तो इनके मुंह पे आगे की देखिए। और ये नई सीटों का लुक उठा रहे हैं, देखिए। वैसे यार वास्तव में अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल सीटें हैं जी, बिल्कुल कंफर्टेबल है भाई, पता नहीं लग रहा थार में बैठे। बिल्कुल वही तो चीज़ में बता रहा। अब कौन कह रहे थे? अभी हमारे एक जो है मित्र आए थे, मित्र लगा लीजिए, उनकी एक्सयूवी भी हमारे पास ही आई हुई है। वो जैसे ही बैठ के देखा उन्होंने, कह रहे यार ये तो एक्सयूवी से भी अच्छी कंफर्टेबल होगी ज़्यादा। नमस्कार। तो आखिरकार ये जो फाइनल डे है वो आ गया है, जो थार की हमने जो भी एडजस्टमेंट करी थी सीटों का, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या और किस तरह की इसे कामयाब करी है हम लोगों ने सीटें। वैसे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो है आप 8-वे एडजस्टेबल भी बोल सकते हो, अगर लंबर सपोर्ट को आप काउंट करते हो तो इसको 10-वे एडजस्टेबल भी बोल सकते हो। और इमेजिन करो कि थार के अंदर 10-वे एडजस्टेबल सीट। अभी जो है वो मैं ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठा हुआ हूँ और इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, तो आप लोग देखिए यहाँ पे कि कितना मेरा हेडरूम, देखने की कोशिश करिएगा कि हेडरूम जो है ये कितना कवर कर लेती है। देख रहे हैं आप, इतना इतना बचा हुआ है। और अभी मैं इसको नीचे जब करूँगा तो देखिएगा कितना बच जाता है। देख रहे हो आप, तो कितना ये मोटराइज हेडरूम जो है ये ऊपर उठ जाता है, कितना कवर कर लेता है। तो इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है कि कोई 7 फुटा आदमी चला रहा है इसको या कोई 5.5 या 5.25 फिट का जो आदमी चला रहा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है हेडरूम की लेकर के। अब मैं आपको पीछे की जो सीट है वो भी एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट पूरा, और ये पीछे जो है वो पूरी तरीके से लेट जाएगी। मैं गाड़ी को अंदर लेकर के आ गया हूँ क्योंकि बाहर आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, अंधेरा हो गया है काफ़ी, है ना। तो ये देख रहे हैं आप, तो ये जो है वो पीछे वाली सीटों के जा करके लग गई है। एक और चीज़ बात ये है कि इन सीटों के अंदर ना कोई भी मेमोरी वगैरह नहीं दी गई है, तो एक हमारा काम बच गया, नहीं तो ये डायरेक्ट जो है वो ECM वगैरह से कनेक्ट होती। अभी जो है मैं आपको को ड्राइवर साइड की सीट है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ड्राइवर साइड की सीटें मैंने आपको दिखा दी हैं, ये देखिए यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल रहा होगा। ये जो 2 स्विच दिए गए हैं ये आपके इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के लिए हैं। ये आपकी सीट ऊपर उठ रही है, पूरी की पूरी सीट जो है ये ऊपर उठ रही है, ठीक है। और इससे जो है आप नीचे जा रहे हो, नीचे की तरफ जो है आपकी सीट जा रही है, हल्की सी पीछे भी होती है लेकिन मेनली जो है वो नीचे की तरफ जाती है। आप अगर इसको ऐसे जज कर सकते हो, मैं आपको हेडरूम यहाँ पर भी दिखा सकता हूँ। ये देखिए देख रहे हैं कितना कवर कर लेती है यार, ये कितना कवर कर लेती है। मैंने सीट काफ़ी आगे करी हुई है जिसकी वजह से आपको लग रहा होगा ज़्यादा। और ये जो चीज़ है जो पीछे वाला जो सपोर्ट है ये आपका यहाँ से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, पीछे चला गया पूरा। फ्लैट तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैट, पीछे की सीट्स पे टच हो जाता है। आपको भी पता है कि थार के अंदर पीछे ज़्यादा स्पेस नहीं रहता, उस वजह से। अब मैं आपको यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक तो दिखा दिया मैंने, आपको मैनुअल एडजस्टमेंट भी करके दिखाता हूँ। ये जो है ये आपका सिर्फ जो है वो थाई सपोर्ट के लिए है। ये थाई सपोर्ट सबसे ऊपर है अभी इसका जो पोजिशन है। अब इसको जैसे नीचे करते जाएंगे ये वाला सिर्फ पोर्शन जो है ये यूँ डाउन होता जाएगा बस इसके अंदर। अगर कोई छोटी हाइट का बंदा है तो उसको लिए बेहद अच्छी चीज़ रहेगी क्योंकि उसके पैर बहुत ऊपर तक तो उठते नहीं है, जिसकी वजह से उसको प्रॉपर यहाँ पर थाई सपोर्ट मिलेगा। कोई मेरे जैसा बंदा है जिसको यहाँ तक थाई सपोर्ट चाहिए तो ये ऊपर करते जाओ, फैंटास्टिक, ये टच हो गया है मेरे को यहाँ पर। ये चीज़, एक और एडजस्टमेंट है वो ये है कि आप स्लाइड जो करोगे वो ये वाला स्विच है यहाँ पर, इसको ऊपर उठाया, पीछे करो, आगे करो, पीछे करो और आगे करो, ये चीज़ है। साथ के साथ आपको यहाँ पर स्टोरेज बॉक्स भी दी गई है,
काफ़ी काम की चीज़ें हैं यार। और अगर आप लंबर सपोर्ट को भी काउंट करते हो, ये देख रहे हैं आप कितनी आगे चलेगी स्लाइड करके, अगर आप लंबर सपोर्ट को भी काउंट करते हैं तो ये है इसका 10 वे एडजस्टेबल यहाँ से। वेल, लंबर सपोर्ट का तो आप सब लोगों को पता ही होगा लॉन्ग रूट के लिए कितना जो है अच्छी चीज़ होती है, वो यहाँ से एडजस्ट होता है। तो इतनी जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी लेकिन इतने सारे कंफर्ट फीचर्स के साथ आती थी उस टाइम भी, आपकी इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के साथ, मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ, और थार जो कि अभी की गाड़ी है उसके अंदर भी ये सारी फीचर्स जो है वो मिसिंग थे। लेकिन क्या करें, हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना दिया थार के अंदर। अभी मैंने आपको दोनों सीटें आगे की दिखा दी हैं, अब मैं आपको पीछे की सीटें भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको मैं कैमरा ले लेता हूँ, आप देखिए पीछे की सीटें जो हैं वो आगे की सीटों से भी ज़्यादा मस्त लग रही हैं। और कोई बंदा यहाँ पर बैठता है तो उसको पूरा का पूरा जो है ये व्यू मिलता है, देख रहे हैं, प्रॉपर फिटमेंट के साथ आई है। अभी ड्राइवर साइड जो है मेरी हाइट के बंदे मिस्टर किताब सिंह बैठे हुए हैं, इनकी हाइट भी 6 फीट है, मेरी हाइट भी 6 फीट है, और आप देख रहे हैं कि इनके पैरों के अंदर कितनी जगह है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आराम से बैठे हैं। और ये आप देखो कि कितनी जो है वो रिक्लाइन हो रखी है। इसके बाद जो है पीछे के लिए जो है कितनी जगह बचती है वो आप यहाँ पर देखिए, पीछे आप लेग रूम देख रहे हैं, ये देखिए पीछे आप लेग रूम देखिए कितना है, ठीक है। हेडरूम, मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा हेडरूम बचता है, क्योंकि थार के अंदर आपको भी पता है कि कितना जो है वो हेडरूम जो है वो अवेलेबल होता है, लेकिन फिर भी आप अगर 5'6" या 5'7" आपकी हाइट है तो आराम से पीछे भी आप आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आगे के बंदों के लिए तो ये वास्तव के अंदर जन्नत वाली चीज़ होगी है, थार इतनी कंफर्टेबल। वैसे अगर आप भी चाहते हैं अपनी कोई भी आपके पास कोई गाड़ी है उसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो जो नीचे जो स्क्रीन के ऊपर आपके पास नंबर आ रहे हैं ना, उनके ऊपर आप कॉल करिए, या तो किताब उठाएंगे या सोनी जी उठाएंगे, हमारे दो बंदे जो है ऑफिस में बैठे हैं या वो लोग उठाएंगे, मैं हूँगा तो मैं भी उठा लूँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। आई होप कि आपकी जो है ये पहेली थोड़ी सी सुलझाई है हमने और आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि जिनके पास भी थार है या इस टाइप की जो है अनकम्फर्टेबल गाड़ियाँ हैं तो उनको पता चले कि किस टाइप की जो है वो आपको कस्टमाइजेशन मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। खैर, अभी जो है हम टेस्ट कर रहे हैं कि अगर बैठ करके फिर चलाने में कैसी लगती है, विजिबिलिटी टेस्ट आप कह सकते हो, लेकिन खैर थार एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर कम से कम विजिबिलिटी जो टेस्ट है वो तो हमेशा ही पास करेगी। आप देख रहे हैं कि कितनी शानदार विजिबिलिटी है इसके अंदर, ज़बरदस्त मस्त। वैसे शानदार मौसम हो रहा है भाई बाहर का, आप देख रहे होंगे। बेटा सीट ही लगाई है हमने इसके अंदर, एडवांस लेवल का ब्रेक सिस्टम नहीं। पीछे व्यू देखना, तेरे साइड भी क्लियर तो है। क्लियर तो है, मजा तो आ रहा है, लेकिन उतनी फट भी तो रही है। करूंगे मैं कहीं ऊपर, मेरे सर के साथ बैठूंगा, तुम तो ऐसा पंचो था जी, निकल जाए मेरा तो मौका गई भाई।